अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो आज हमारे वहाँ बन रहा है गोश्त का सालन और बघारे हुए चावल। बघारे हुए चावल मतलब वही बनता ना जिंदा राइस, वैसा बना रही हूँ मैं। पहले बहुत हम लोग छोटे थे ना, तो मेरे मम्मी अब्बा होटल से लेकर आते थे ऐसा चावल, जिंदा राइस कलर मार के देते थे भटिया खाने में। आज मैं बोली वैसी बनाती हूँ मैं, वैसा और बनाती हूँ। तो ये चावल का पानी चढ़ चुका है और अभी रनिया बना रही है सालन। उस दिन उसने सालन बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता है अपने हाथ का नहीं अच्छा लगता है, दूसरे के हाथ का अच्छा लगता है। तो मेरे को जाना है काम से बाहर और आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था सालन बनाने, क्योंकि मुझे बनाने का था पुलाव, पर टाइम हो गया मेरे को इसलिए मैं नहीं बना रही। मैंने रनिया तू ही बना दे सालन, आ जा। तो आज ये हमारे घर की कुक, ये देखो उसने यहाँ का मसाला तैयार कर लिए। कांदा, टमाटर, खोबरा, हरी मिर्ची और कोथमीर, ये सब पीसेंगे। ये अपने स्टाइल से बनाएंगी, पर अच्छा ही बना था उस दिन, बहुत टेस्टी बना था, पूरा ख़त्म हो गया था। तो आज रानी बनाने वाली है सालन, मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, मिलते बाद में। तो बख्तियार का हाथ सूज गया है। बख्तियार मुंह बता दे रहा है। अरे कुछ नहीं, पट्टी इसको तो ना जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है, रुक जाना, क्या पट्टी हो जाएगा ना। चाट मसाला डाल के मिला के इसके बहुत फायदे, आप लोग भी बनाओ। 2 लीटर पानी को 1 लीटर दोनों पका के और पियो, बहुत फायदा पहुँचेगा। आयुर्वेदिक क्लास 2 लीटर पानी को मैंने 1 लीटर कर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं दाल चावल, मिक्स दाल बना रहे, सब दाल और फ्लावर बटाने बटाटे की भाजी। किचन में बहुत गर्मी हो रही है इसलिए यहीं से सब काट पीट के लेके जाएंगे और वहाँ बगा रहेंगे। किचन में घबराहट हो रहा है, गर्म बहुत है, सब यहाँ से रेडी करके लेके जाएंगे, वहाँ जाके बगा रहेंगे यानी तड़का देंगे। 2-3 दिन से गोश्त ही खा रहे ना, गोश्त का सालन, पुलाव। आज खाएंगे दाल चावल और पापड़ लेकर आई थी, वो तलेंगे कूड़े कूड़े, क्या बोलते रहे उसको, बाड़िया कूड़े, वो लेकर आई थी, वो तलेंगे, दाल चावल के साथ खाएंगे, थोड़ा अचार लेंगे। जाओ बाजू वाले भैया से लेकर अचार उसको दे ला के, उसको अचार खाने का बहुत शौक है। एक पेट वाली औरत भी इतना अचार नहीं खाती रहेंगी जितना अचार ये खाती है। तो कल हम लोग ने व्लॉग नहीं डाले थे, थोड़ा सा शॉर्ट बना था, ज़्यादा नहीं बना था। कल मैं थोड़ा दिन भर बाहर गई थी, कल छोटा व्लॉग बना था इसलिए हम लोग नहीं डाले थे। कल का और आज का व्लॉग ऐड करके आज डालेंगे। गर्म से कुछ मन नहीं कर रहा है करने के लिए, ना बाहर जाने मन करता है ना खाना खाने मन करता है, सब लग रहा समंदर के पास जाओ पानी में बैठ जाओ। मिलते हैं आगे। आ जाएगा, आज हमारा सेब पेड़ा गार्डन जा रहा है,
मैच छुट्टी अभी ना कल चालू होने वाली है तो वो आज से तैयारी करके जाके देखता है मैच में माइक निकाल ली मैंने, बार बार माइक लगाने भूल जाती हूँ। और ये दाल का बघारा, इसमें है राई, राई जीरा लहसुन और जब दाल बघारो तो ऐसी आवाज आना चाहिए, तभी आपके दाल में टेस्ट आएगा। पहली लाई थी बनाने, लेकिन सारा भाभी ने बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सारा भाभी तुम बना दो, मस्त बना दो सारा भाभी का, मुझे बड़ा चाट चाट के खाई थी है ना। गुड़म्बा किसको पसंद है वो लाइक और मैसेज में बताना और कमेंट भी करना हमारा गुड़म्बा कैसा बना। स्पेशल गांव का डिश है गुड़म्बा, और अच्छा ये गुड़ भी खाएगा। मैं तो सब पसंद है इसको, शक्कर में गुड़म्बी भाई है हमारी। गुड़म्बे भाई किसी किचन में ऐसी एक ऐसी है मुझे बताओ प्लीज, मैसेज कर किन-किन लोगों के किचन में ऐसी है मुझे जरूर बताना। बाथरूम में है मगर है ना किचन में नहीं है। बाथरूम में किसके एसी लगी है? हाँ है ना, बाहर है ना, बाथरूम में एसी है मगर किचन में नहीं है। किचन में भी अगर एसी लगा सकते तो कितना अच्छा होता था। दिन भर किचन में खाना ही पकाते रहते हैं, किचन में एसी होते तो उससे गर्म बर्दाश्त भी नहीं होता है, भी बहुत गर्म आदत होती है। शाम में भुट्टे का सामान आओगे तो बोलता मेरे को देना, और ये तुम पास्ते के लाइक का ये पास्ते कब बनाए मैंने? बैगन आप लोग गलत मत लेना, ये बैगन बोल रहे जो लैंग्वेज है ना कोई ना करो तो ना भरता खाने का ये आपको क्या समझा ना बराबर देखो कमेंट करके बताना। मेरे लिए नहीं करना, बेटे बेटे देखो मैं कैसा चैलेंज पोस्टता हूँ। बैंगन की भाजी देखो, हर बैंगन में सब कुछ पसंद, तेरे जैसे नहीं ये सारी पसंद A few minutes later. Hi guys, आप देख सकते हो मैं बैगन का भरता बनाने जा रही हूँ। देखो मैंने इसको अभी कढ़ाई भुनी हूँ, अब उसको छील के मैं उसका बैगन का भरता बनाऊंगी, ठीक है। बना रहे हैं मीठा की रोटी बना रही हूँ, मेरा भरता तैयार हो गया। देखिए मैं बना रही हूँ पिलापा के लिए मल्टीग्रेन की रोटी, ये गुड़म्बा बन रहा है, ये तैयार हो गया, अभी इसको उतारेंगे। बन गया, बन पिसा हुआ डाली, उसको मसाला उसको मस्त भून लूंगी, फिर मैं अंडा को भूनी कर, फिर मैं अंडा को भूनी
अंडा भी फोड़ूंगी, थोड़ी सी हल्दी। सो गाइस देख सकते हो मेरी भुर्जी बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं दूंगी पक्षी को, देखो जरा उसका कैसा है। ये अल्लाह मेरा हाथ जरा दे दिया यार, चला चला के। अभी पता नहीं खाने के बाद मालूम पड़ेगा इसका कैसा है। गरम इतना हो रहा है ना, क्या बताओ। वीडियो बन चुका है आज का, मैं वीडियो में यही एंड करती हूँ। गर्मी बहुत है, मेरे को दिन में भी खाना बनाने नहीं आ रहा था, चक्कर आ रही थी, मुझे पसीना वगैरह बर्दाश्त नहीं होती थी, मेरे साथ दुख है। मैंने ऐसे दाल बनाई थी, भाजी बना दी थी, लोग ने सब काम करे। फिर भी शाम में खाना बनाना पड़ेगा बोल के अम्मा बोली मत बनाओ भुर्जी बना दो। तो आज हमारी शब्बू ने बनाई भुर्जी, शाम में शब्बू ने बनाई भुर्जी, स्पेशल आज रहेगा कुछ तो भी। शब्बू ने बनाई भुर्जी, कैसी बनी वाले? एक नंबर बने, अच्छा बनी। तो ठीक है, हमारे भाई के भाई ने बता दिया कैसी बनी भुर्जी। तो हम हमारा वीडियो यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को आगे आगे बढ़ाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।